लेकिन शेख जिनों का चिराग होगा कहाँ? हम ना एक काम करते हैं, हम जफर के साथ ना चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसमें उसको फंसा लेंगे। पीछे से तुम लोग जाओ और वजीर नाला के कमरे की तलाश ले लो और चिराग ढूंढो, ठीक है? पर शहजादी, मेरा मतलब सुल्ताना, उसके लिए जफर के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे जमा देती हूँ और उसके बाद हम उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसे बांध देंगे। हाँ, और उसके बाद उसे उल्टा टांग के उसे इतना मारेंगे कि वो खुद ही बता देगा चिराग कहाँ हो गया। खुद सोचो, जो तुम लोग कह रहे हो उसे करने से कुछ होने वाला है? वक्त लगाओ और दिमाग भी, और कुछ असरदार सोचो, पर जल्दी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो वजीरे नाला चुप नहीं बैठने वाला। वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, और इससे पहले कि वो जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए जिनू का इस्तेमाल करे, हमें तैयार रहना होगा। सब एक काम करो, सब अलग अलग जाओ, अपनी किसी खास जगह जाओ और सोचो कि हमें जिनू का चिराग कैसे मिल सकता है, हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। पर हाँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है आका जी, चलो ढूंढो। मैं भी जाके सोचता हूं, हमें जल्द से जल्द जिनू के चिराग तक पहुंचना होगा। काले चोर, हमारे भूखे रहने से जिनी मिनी चाचा और अंगूठी छाप वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। फल खाने से भी तो नहीं आएंगे ना। नकचड़ी, वो लोग पक्के, बहुत पक्के हैं, ऐसे देर कभी नहीं करते। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अब काले चोर, देखो वो बच्चे नहीं है, अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। और तुम ही तो कहते हो ना कि तुम उनके भाई हो, आका नहीं, उन्हें थोड़ी आजादी दो। वो पूरा पूरा दिन तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी हर एक बात मानते हैं। बेटी की तुम्हें लगता है कि मैं अपनी टोली के साथ सर्वस से ज्यादा सख्ती से पेश आता हूँ? नहीं काले चोर, तुम ना बस उनकी जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हो। मैं फिक्र नहीं करता, अगर मुझे जफर की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं होता, हमने उसका आईना तोड़ा है, जादूगरनी मलिका तक पहुँचने का रास्ता छीना है, तुम्हें लगता है कि वो शांत बैठ सकता है? मैं जानता हूँ वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। करेगा तो देख लेंगे। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है चनक चनक छुप छुप। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा काले चोर। नचड़ी, जब तुम मुझे काला चोर कहती हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम वजीरे आला, मेरा मतलब है वजीरे नाला के सामने भी काला चोर ना बोल पड़ो। बंदर के बच्चे, ठीक है, अब से हम तुम्हें काले चोर नहीं, अब से हम तुम्हें अली कहेंगे। अली साहब, अली साहब, अली साहब, ऐसे अली साहब, अली साहब, ठीक है, हम आज से तुम्हें अली साहब कहेंगे। और तुम ना आज से हमें निकचड़ी निकचड़ी कहना बंद करो। तो ठीक है, आज से मैं निकचड़ी नहीं, सुल्ताना यास्मीन कह के। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, बगदाद की सिर्फ एक ही सुल्तान है। नहीं, दो हैं। अपने रदाक में आए ना, उनकी बकरी का नाम भी सुल्ताना है। अली साहब, आप ऐसे हंसते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, लीजिए सुल्ताना, आज से मैं परेशान नहीं हूंगा, लेकिन काफी वक्त हो गया और जिनों के चिराग को ढूंढने के लिए भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अब मैं टोली को ढूंढने जा रहा हूँ। गोभी मटर खुशखबर, गोभी मटर खुशखबर। अरे मेरे गोभी के फूल, मतलब तुम्हें तो खुश क्यों लग रहे हो? अरे दरअसल वजीरे नाला अपने कमरे में नहीं है, यही सही वक्त है मेरा चिराग ढूंढने का।
पर पहले मुझे टोली को ढूंढना होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अब वो वजीर नहीं रहा, वो कभी भी महल को छोड़ सकता। अगर उसने महल को छोड़ा तो वो चिराग अपने साथ लेके जाएगा। सही सही वक्त है, वरना हमें दोबारा वक्त मिलेगा। चलो चलते हैं। हाँ शेख जी एकदम ठीक कह रहे हैं। पर फिर छोड़ो, चलो चलते हैं। हो सकता है मुझे मेरा चिराग आज ही मिल जाए। हाँ, और हो सकता है कि शेख जी जफर की गुलामी से अभी की अभी आजाद हो जाए। क्या पता चिराग भी मिल जाए। टोली जब वापस आएगी तो चिराग को देखकर कितना खुश होगी। मगर हमें, अरे मगर वो छोड़ो, चलो चलो जाओ जाओ। इन्हें आराम करने दीजिए और इनके दवा खाने के लिए पानी लेकर आइए। कौन सी दवा, कैसी दवा? और वजीर आला, नाज़नीन का मतलब है जफर साहब कहाँ हैं? ठीक के समय कहते हैं अच्छी, कमरे से बाहर जाए चाची। भाई मैं चाची पे नजर रखता हूँ, तुम प्यारी परेशानी जी का ख्याल रखो। मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरी दुआ कबूल कीजिए। यही दुआ को बोलोगे, तुम ठीक हो गई, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं पर एक दिन बनेगा जरूर। कोई दवा ठीक नहीं कर सकती थी, तुम्हें सिर्फ सच्ची पहली मोहब्बत ठीक कर सकती थी। पर हां रक्षणी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ऐसे ठीक किया है। और हमें तो पता चल गया For more updates, subscribe to our channel. Click
Click the show links and enjoy watching the videos.